राजकुमार सैनी के ऊपर इसलिए नहीं कि मैं तलवे चाटू राजनीति में बिलीव नहीं करता। लोग राजनीति में अपने परिवारों के, अपने बहन बेटियों तक के भी जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं राजनीति में चढ़ने के लिए, या अपने राजनीति से पैसे उगा करके अपने कारोबार खड़े करते हैं। मैंने अपने काम धंधे से, अपने कारोबार से राजनीति में आया। 3 बार राजनीति मैंने लोगों के लिए हो रहे भेदभाव के खिलाफ छोड़ दी। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त हूं दिल्ली में जंतर मंतर पर। यहां पर सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मतलब मैं उस पर दिखाएं पोस्टर पर 23 मार्च को शहीद दिवस पर अमर शहीदों की भावांजलि श्रद्धांजलि। हम सामाजिक न्याय को कायम रखने के लिए निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध, समान काम का समान वेतन SC ST OBC की सरकारी हिस्सेदारी बचाने के लिए, SC ST OBC महिलाओं को 50% हिस्सेदारी के लिए, जातिवाद समता के विरुद्ध, बेरोजगारी महंगाई के विरुद्ध एक बहुत ही शानदार विरोध प्रदर्शन और थर्ड फ्रंट फॉर MCD इलेक्शन के लिए, यानी कि दिल्ली में जो MCD इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए तीसरा मोर्चा बनाया गया है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं राजकुमार सैनी जी, तीसरा मोर्चा के संयोजक हैं और पूर्व सांसद हैं। नमन करते हुए एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि भाई जितने भी हम राजनीतिक दलों में अलग अलग नामों, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बना करके बंटे हुए हैं कि हम इकट्ठा होकर के MCD का चुनाव, या हरियाणा के अंदर विधानसभा लोकसभा चुनावों के अंदर, और या हमारे पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव अभी कमिंग सून जो है ना होने वाले हैं, वहां पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक राजनीतिक दल बनाएंगे। और थर्ड फ्रंट के नाम से जो हमारा अभी थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, वो थर्ड फ्रंट के अंदर भी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर जो जिसको उत्तर भारत कहा जाता है, उसमें हमारा अहम रोल होने वाला इस बात के लिए है कि सब जितने भी OBC के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं सोनिया दरबार या नागपुर के RSS के गुलामी कर रहे हैं, वो क्लर्की कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं घुटन महसूस करते हैं। आज इकट्ठे होकर के BJP के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा, जो धर्म की फीम चटा करके हिंदू मुसलमान में देश को बांट करके, जो हमारे शिक्षा का, जो हमारे स्वास्थ्य का, जो हमारे रोजगार का, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो हमारी टेक्नोलॉजी का, जो हमारा स्तर होना चाहिए था, जो आज बेरोजगार बच्चों को रोजगार के लिए MA PhD BA करने के बाद जो उनको ईंटें ढोनी पत्थर ढोने पड़ रहे हैं, एक मजदूर बनकर के काम करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली दुरुस्त करने का या हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सारा एक गठबंधन लाएंगे, थर्ड फ्रंट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना नहीं है, पूरा देश का मानना है कि आखिर ये हुआ क्या, जहां BJP वालों को गांवों में घुसने तक नहीं दिया गया, लखीमपुर खीरी के अंदर जहां पर लोगों के अंदर इतना आक्रोश था किसानों को मार देने का, गाड़ी सीधी चढ़ाई गई, BJP के MP अंदर तक रहे और वो वहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और वहाँ 8 की 8 सीटें जीत गए। आखिर ये क्या करिश्मा है? इस करिश्मे को मैं नहीं देख रहा, पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं ये बात मानना चाहूँगा कि इस बात के लिए कि अगर कहीं कोई धांधली है तो आ जाएगी देर सवेर सामने, ज़्यादा देर तक नहीं लगी। सर, एक और करिश्मा है, चुनाव के फौरन बाद ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में जाने की सूचना चलने लगी, लगातार चल रही है जी, और इधर RLD के जयंत चौधरी की भी जी। कल को आपके विषय में मीडिया इसे चलाएगा, समाज का भरोसा कैसे जीता जाएगा? देखिए, राजकुमार सैनी के ऊपर इसलिए नहीं कि मैं तलवे चाटू राजनीति में बिलीव नहीं करता। लोग राजनीति में अपने परिवारों के, अपने बहन बेटियों तक के भी जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं राजनीति में चढ़ने के लिए, या अपने राजनीति से पैसे उगा करके अपने कारोबार खड़े करते हैं। मैंने अपने काम धंधे से, अपने कारोबार से राजनीति में आया। 3 बार राजनीति मैंने लोगों के लिए हो रहे भेदभाव के खिलाफ छोड़ दी, और यही मेरा मिशन है कि हम बाबा साहब जिनको भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश के अंदर जिनको जीतने के बाद जो जिनको जीतने ही नहीं दिया, और वो बंगाल के मुसलमानों ने लोग राज्यसभा में भेजे थे, कानून मंत्री बने, इसी प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फूले जिनको भी घर से निकलवा दिया गया था, उसी विचारधारा पर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिन्होंने अपने गढ़ कटाए थे, ऊधम सिंह कंबोज, सुभाष चंद्र बोस ने जब छावनियाँ की छावनियाँ अंग्रेजों की नस्तनबूद की थी, और ठीक ऐसे ही अपने बीमार भाई को छोड़ करके ऊधम सिंह कंबोज इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा था, तब अंग्रेजों ने समझा था कि देश छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों को भी देश अब जो है ना किनारे पर बैठना पड़ेगा,
जो अभी तक हमारा शोषण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देर तक ये मिशन रुकेगा नहीं। ये जो हिंदू मुसलमान की विचारधारा है, ये जो फिल्म दिखा दिखा करके 5,000 करोड़ रुपए का इससे भी बिजनेस किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो लोग इस प्रकार से देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जहर फैला करके, हमारे देश के अंदर अगर बाबा साहब को भी किसी ने भेजा था संविधान लिखने के लिए तो वो मुसलमानों ने भेजा था। अगर हमें आज शिक्षा का अधिकार मिला, हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, तो वो महात्मा ज्योतिबा फूले जिसको मनुवादियों ने घर से निकलवा दिया था, आज उसको भी अगर शिक्षा देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिला था वो फातिमा शेख बेगम से मिला था। हमारे देश के अंदर यही वो लोग हैं मूल निवासी, जो कभी हिंदू बने, कभी ईसाई बने, कभी मुस्लिम बने, जैसा जैसा प्रेशर आया आज भी लोग, लेकिन आज लोग बुद्धा की विचारधारा की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस देश के अंदर कहा था कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जापान के पैटर्न पर बुद्धि से आगे बढ़ा सकते हैं, अंधविश्वास और पाखंड से आप लोगों को मानसिक गुलाम बना सकते हैं, लेकिन शिक्षा और बुद्धि के माध्यम से इस देश को जागृत करके हम विश्व पटल पर इसको विश्व गुरु बना सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलाम बना करके इसे विश्व गुरु नहीं बना सकते। यहाँ पर कोई ऐसा इस प्रकार का कोई आविष्कार नहीं हुआ, कोई मोबाइल बन गया, लैपटॉप बन गया, कोई टीवी बन गया, कोई जो फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये ऐसे आविष्कार नहीं हुए। यहाँ तो सूर्य कौन खा गया ये आविष्कार हुए। यहाँ तो ऐसे ऐसे आविष्कार हैं कि आदमी पहाड़े ठह के दौड़ लिया। यहाँ पर जो है ना इतने आविष्कार हैं कि अब पूछो ना, धर्म की फीम इतनी छटाई हुई है, हमारा पूरा OBC समाज ये मानसिक गुलाम होया पड़ा है। तो साथियों, ये था SC ST OBC मोर्चा का जो MCD के चुनाव दिल्ली में होने जा रहे हैं उसके खिलाफ SC ST OBC की सभी पार्टियों ने एक मोर्चा बनाया है और वो BJP और आम आदमी को टक्कर देने का ऐलान कर रहे हैं। आपको इस खबर पर क्या सोचते हैं, आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।